तो ये देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा बर्थडे था पिछले कल, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम था, अभी मैं एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ। तो अभी जो है शाम के 5 बज चुके हैं और हमने सोचा जो सब्ज़ी वगैरह भी ले आते हैं और ऊपर साइड थोड़ा घूम भी आते हैं। तो ये है मेरे साथ सारी का बेबी। हेलो। तो ये जो है मेरे रूम के साथ में रहती है। तो यहाँ पर देखिए प्यारी सी डॉगी है ये। देखिए छोले वाला अंकल बेच रहा है छोले गली गली में जाके। इतनी सुविधा मिल गई आजकल लोगों को जैसे। तो चलिए फिर आपको ऐसे ही घुमाते हैं हम। तो अभी तो धूप लगी है, पर शाम के टाइम तो जब धूप चल जाती है तब ठंड है। और अभी काफ़ी गर्मी है, पर हम दोनों ने हुड पहनी है क्योंकि हाथ में इसने जो स्वेटर पहनी है सारी का ने, और मैंने हुड पहनी है। तो आप सोच रहे हो इनको इतनी ठंड लगी है, पर हमने ऐसे ही पहन रखी है। अभी तो गर्मी लगी है, पर बाद में जब धूप चली जाएगी तब ठंड लगेगी, तो इसलिए हमने पहन ही रखी है। हाथ में कौन उठाता रहे, है ना। और अभी हम चले हैं, दिखाते हैं आपको। अभी हम बंदला वाले रोड पे हैं। तो देखिए ये देख सकते हैं आप, इस वाले रोड से जा रहे हैं हम। और क्या बोलने का, इस आप ही बता दो। तो हम ऊपर जाके जो है रील्स वगैरह भी बनाएंगे। तो देखना आप मेरे इंस्टाग्राम, उस पर ऑफिशियल अनु नाम है मेरा, मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक। सो गाइस, तो हम जो है ग्रीन व्यू कॉलोनी में पहुँचे हैं। और देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा काम लगा है, पीछे की साइड जो है मतलब पत्थर वगैरह की जो दीवार बनाई जा रही है सड़क के पीछे की साइड। तो ये देखिए डॉगी डॉगी मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ जो है सड़क के साथ ही मंदिर भी है, शनिदेव का है कि किस चीज़ का मंदिर है, माता का मंदिर है। तो इस टाइम जो है बंद ही है डोर। तो क्या दिखाएं हम, आप खुद को ही दिखा देते हैं। ये देखिए शीशे में ढंग से तो दिख मिल रहे हम। तो ये देखिए व्यू, ये जो सीधा जो सामने एक साइड दिख रही है पूरा बंदला ही है, इस तरफ को ये सारा बंदला पड़ा ऊपर तक, जब ऊपर तक है बंदला, काफ़ी बड़ा बंदला है। और लोहना जो जगह है वो भी काफ़ी बड़ी है, इस तरफ को है लोहना सारी और इस तरफ को सारा ही बंदला ही पड़ा। और ये वाला हाउस मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना, बड़ा सही है ना। आगे वाला तो इससे भी सही है। तो हम जो आगे वाला घर नहीं बता पाए आपको क्योंकि वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, क्योंकि ऐसे लोगों को घर दिखाना जो है अच्छी बात नहीं होती, बैड मैनर्स होते हैं। सो गाइस, तो देखिए इस वाले घर में जो बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, बहुत अच्छे फ्लावर हैं, बड़े अच्छे दिख रहे हैं ना। तो ये देखिए गाइस, अगर हमें किसी ने देखा ना भगा देंगे हम यहाँ से, उससे अच्छा जल्दी निकल चलते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छा व्यू है। और पीछे तो बर्फ़, अभी तक जो पहाड़ों में बर्फ़ है, देखिए आप देख सकते हैं। कल परसों जो बारिश हुई थी यहाँ पे तो तब पड़ी है ऊपर वाली बर्फ़ जो पहाड़ों में दिख रही है आपको। तो अभी हम जो ऊपर वाली लोकेशन पे जाएंगे जहाँ आपको ये मंदिर दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर, यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे रील्स वगैरह और ऐसे ही बैठेंगे, थोड़ी देर धूप वगैरह सेकेंगे, आपको भी दिखाएंगे हम, टेंशन मत लीजिए। तो ये देखिए पन्नी किस चीज़ का पेड़ है और इसमें बहुत अच्छे फूल लगे हैं, है ना। कुछ बोलते हैं इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कमेंट में बताना जिसको पता है इस पेड़ के बारे में। तो ये देखिए गाइस, लंगा जो 4 किलोमीटर पड़े यहाँ से जगह है ये ऊपर की साइड को। तो इस तरफ को राइट साइड डायरेक्शन पे जो है लोहना पड़ता है और ऊपर की साइड जो जखनी टेम्पल वगैरह पड़ा, चंदपुर और भी गांव पड़े काफ़ी इस वाले रोड पे। और इस वाले रोड से जा तो वहाँ पे देखिए बच्चे जो खेल रहे हैं। सो गाइस, तो हाँ इधर जा रहे हैं अभी हम, चलते हैं रास्ते से मंदिर की तरफ। बड़ा साफ कर दिया अभी, है ना, जब हम पिछली बार आए थे इधर तो उतनी ज़्यादा सफाई नहीं थी, अब काफ़ी सफाई हो चुकी है। इधर देखिए
रास्ता भी कितना साफ लग रहा है, गंदगी भी नहीं है। और ये चारों तरफ ये जो लगाए हैं, क्या बोलते हैं इनको पता नहीं, जैसे शादी शुदी में लगाते हैं लड़ियाँ टाइप, वैसी है ना। हाँ, और चल सारी का तू आगे यहाँ से चल। और ये देखिए सारी का जा रही है आगे, और काफ़ी थक गए हम, यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी दूर है, इतना भी दूर नहीं पर है मतलब दूर। तो देखिए सामने है मंदिर, छोटा सा मंदिर है, छोटकू सा पर प्यारा है बहुत, दिखाते हैं आपको ऊपर जाके। तो गाइस तो थक जाते हैं आजकल, ज़्यादा चलने की आदत बन रही है रूम में, तो थक जाते हैं हम, तो दिखाते हैं आपको मंदिर। तो देखिए गर्मी का सीज़न आ गया और इधर घास भी होने लग पड़ी है, देखिए कितना क्लीन है यहाँ पर। और वो देखिए चप्पल उतार देते हैं बाहर, फिर चलते हैं अंदर। घंटी भी है ना यहाँ पे, पानी है, मोटर लगाई है कि क्या लगाया है? मेरी घंटी नहीं बजी गाइस, कैसा मजाक हो गया मेरे साथ। तो कर लीजिए आप भी दर्शन, बार क्या लिखी थी इस मंदिर पे शनिदेव की, माता है कोई है ना, और माता इस तरफ को कोई शिव भगवान और क्या है जो भी है, पता नहीं कुछ लिखा है नहीं है गाइस, हमें पता भी नहीं लगता है ज़्यादा। कर लीजिए आप दर्शन। तो यहाँ पे जो है सारिका कर रही है अब दर्शन, मैंने कर लिए, आप सभी भी कर लो दर्शन। तो यहाँ पे जो पीछे मोटर लगाई है कि क्या लगाए, सारिका जा रही है पीछे, देखिए है ना मोटर लगाई है इसी ने पानी की। तो चलिए मैं भी चलती हूँ। हाँ तो ऐसे ऐसा रास्ता है कुछ यहाँ का, देखिए हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे मोटर लगाई है किसी ने और अंदर से लिया है पानी, आधा पाइप वगैरह लगी है यहाँ से पता नहीं, और जैसे गाँव गूँव के लिए गई होगी कहीं, तो यहाँ पे लगाई गई है। देखिए इस साइड को जो जंगल है काफ़ी घना, यहाँ पे देखिए पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे, और जंगल है ऊपर की साइड काफ़ी घना, और नीचे सड़क रही जो बंदला के लिए जाती है। तो देखिए पूरा, तो इस तरफ को है गाइस, इस तरफ को जो पड़ा है लोना पड़ा सारा, और इस साइड का जो ये बंदला पड़ा, और बंदला जो यहाँ यहाँ से ऊपर तक है। चलते हैं, बैठते हैं नीचे जाके धूप में थोड़ी देर, और आपको भी दिखाते हैं। और आप बता दो गाइस, बैठते हैं अभी धूप में, मज़े लेते हैं धूप के, सारिका के साथ वीडियो वीडियो बनाते हैं ना। तो मैं अपने ये जो मैंने ढाटू लाया है इसको पहनूंगी मैं, पहाड़ी गाने में बनाऊंगी वीडियो, तो मैं पहन लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कैसे कैसे पहनते हैं इसको। सो गाइस तो बताते हैं आपको कैसे पहनते हैं इसको। सो गाइस तो सबसे पहले जो है धूप लगी तो मैं इसको हुड को उतार देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर बनाते हैं हम वीडियोस वगैरह, क्योंकि काफ़ी धूप भी है और अभी ठंड भी नहीं लगी है। तो पहनते हम अपने ये ढाटू, हमारा पहाड़ी कल्चर है ये, तो ऐसे लेना है गाइस इसको, और बालों के नीचे से लेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो बालों के नीचे आपने चोटी बनाई होगी या खुले बाल होंगे, तो बालों के नीचे से लेने ये दोनों साइड के जो हैं, फिर इनको लेंगे और ऐसे बांध देंगे, और फिर अपने हिसाब से जो जितना आपको पीछे रखना है आगे रखना वो कर देंगे। तो मैं, मेरे को जो है थोड़ा आगे नहीं है पसंद ज़्यादा, तो मैं थोड़ा पीछे ही रखूँगी। गाइस मेरे बाल तो दिख ही रहे हैं, दोबारा से बांधते हैं। अगर आप इस स्टाइल में बांध चाहते हैं इस स्टाइल पे भी बांध सकते हैं, अच्छी लगेगी, पर ऐसे मैं इस स्टाइल में नहीं बांधूँगी क्योंकि मैंने वीडियोज़ बनानी है, तो दूसरे स्टाइल पर बांधूँगी मैं, पहले अपने बालों को अच्छा बना लेती हूँ। तो
तो फिर बांधते हैं अभी हम। इसको मैं ऊपर से, बालों के ऊपर से ही लगाऊंगी क्योंकि मेरे को थोड़े खुले बाल भी चाहिए दिखने के लिए, तो ऊपर से ही बांधूंगी मैं इसको बस ऐसे, और इसको ऐसे करके बस। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो अब अच्छा लुक आ रहा है, अब हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे। तो अभी हम वीडियोस वगैरह बना देते हैं, रील्स वगैरह, उसके बाद मिलते हैं आपको। वाओ। सो गाइस, तो अभी हमने वीडियोस वगैरह बना ली सारी, कने बनाई मेरी रील्स, एक ही रील्स बनाई मैंने और नहीं बनाई क्योंकि अच्छी भी नहीं बन रही थी, और फिर हमने सोचा छोड़ पा रहे हैं ना, फिर फोटोज़ वगैरह खींच लिए हम, और अभी हम बैठे हैं। तो अभी जो है यहाँ पे सनसेट हो रहा है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस गाइस, अभी जाने ही वाला है ये सन, हम जाएँगे वापस घर की तरफ और सब्जी वगैरह लेंगे नीचे। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, बस सड़क में जाके, जब सड़क में पहुंचाएंगे तब मिलते हैं आपको। तो गाइस, मेरे को अभी याद ही नहीं रही थी ब्लॉगिंग करने की, तो मेरे को सारी करने दिलाई याद है कि दीदी आपने ब्लॉग भी बनाना था, जैसे यहाँ पे सब्जी की दुकान है। किलो का फूलिए बस है ना, गाजर ले ली थी आधा किलो। तो फाइनली गाइस, अभी हमने सब्ज़ी वगैरह ले ली है, तो हमारे साथ एक सीन ही हो गया था दुकान में, जब हम दुकान में सब्जी सब्जी ले ली हमने, हम बिल कटाने लगे तो मैंने कैश नहीं डाला था, मैंने जीपे करना था, तो मैंने देखा कि मेरा जीपे मैंने डिलीट ही कर दिया है, और फिर मैंने जल्दी जल्दी से जीपे जो डाउनलोड किया, फिर बनाया, फिर उसके बाद पेमेंट की। और जो दुकान वाले भैया थे वो हमें देख रहे थे, बोलते उन्हें एक ऐसी लड़की पागल जैसी, बोलते उन्हें कभी जैसी पेमेंट ही नहीं हो रही है, और फिर हमने कर दी पेमेंट फाइनली। तो अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ, तो हमने जो है थोड़ी सी सब्जी, मैंने जो गाजर ली है और गोभी ली मैंने, बंद गोभी, और साथ में जो है थोड़े से फल लिए मैंने, अंगूर लिए ब्लैक वाले और ऑरेंज लिए, बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए गाइस, ये है मेरे ऑरेंज, ज़्यादा अच्छे ऑरेंज नहीं थे उनके पास, थोड़े मुरझाए हुए थे इसलिए मैंने कम ही लिए, और थोड़े से ग्रेप्स लिए मैंने, इसके अंदर डाले हुए हैं ये देखिए, बाकी जो अंदर घुस के हैं ये देखिए, और थोड़े से गाजर और गोभी। तो चलते हैं अभी हम। तो गाइस, जो अभी अंधेरा हो चुका है, अभी हम कार ले आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी ये जो लाइट है इधर पे सोलर लाइट लगी है, तो उसकी रोशनी आ रही है हमें, इसलिए थोड़े गोरे दिख रहे हैं ऐसे, हम बहुत ही काले दिख रहे हैं। तो आपको सीधा अभी रूम में मिलते हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको, सोलर लाइट यहाँ पर लगी है, कहाँ पर गई ये देखिए, हाँ तो इसकी रोशनी आ रही थी हम पे, इसलिए हम ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और अभी हम जो सीधा डायरेक्ट आपको रूम पे मिलते हैं, तब तक आप बने रहो हमारे ब्लॉग में। तो चलिए गाइस, तो लाइट ऑन कर लेते हैं, तो ये देखिए, तो चलते हैं किचन में और दूसरी लाइट ऑन करते हैं, और जो मैंने ये सामान लाया इसको मैं रख देती हूँ इधर। सो गाइस, तो बाहर हो चुका है अंधेरा और अभी आ चुके हैं हम अपने रूम, मतलब मैं अपने रूम, सारी का जो है चली गई अपने क्वार्टर में, और अभी मैं जो खाना वगैरह बनाऊंगी, देखते हैं मैं क्या बनाऊंगी खाने में आज। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड इधर ही करती हूँ, होप सो आपको मेरा ब्लॉग जो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।